हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि Google Plus बंद होने वाला है? क्या अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि Google Plus कब बंद होने वाला है। अगर आपको करना है Google Plus का डाटा सेव, तो ये भी तरीका मैं बताऊंगा कि आप अपने Google Plus अकाउंट का डाटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दिक्कत, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, गूगल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल प्लस 2 अप्रैल को बंद हो जाएगा। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में ही इसे बंद करने की घोषणा की थी। दोस्तों, गूगल का कहना है कि इसके कम इस्तेमाल और सेफ्टी चैलेंज के कारण इस प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। अपने ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने कहा, गूगल प्लस का हिस्सा बनने के लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों, गूगल 2 अप्रैल को गूगल प्लस और पेज को बंद कर देगा और इसके साथ ही इस पर मौजूद सभी कंज्यूमर के अकाउंट से सारा डेटा भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों, गूगल ने यूजर्स से अपनी फोटो और बाकी डेटा सेव करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है गूगल प्लस का अकाउंट तो अप्रैल से पहले सभी डेटा सेव कर लें। और हाँ, गूगल फोटो में बैकअप के रूप में मौजूद फोटो और वीडियोज को डिलीट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अपने ब्लॉग में कंपनी ने साफ कर दिया है कि 4 फरवरी के बाद कोई भी यूजर गूगल प्लस पर नए प्रोफाइल, पेज, इवेंट या कम्युनिटी नहीं बना पाएगा। दोस्तों, गूगल ने गूगल प्लस को अगस्त 2019 में बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे पहले ही बंद किया जा रहा है। दोस्तों, गूगल प्लस पर बनाए गए सभी अकाउंट को डिलीट करने में वक्त लगेगा, इसलिए कुछ यूजर अप्रैल के बाद भी इस पर अपना अकाउंट देख सकते हैं। कुछ सर्विस पर लॉगिन करने के लिए कंपनी गूगल प्लस के बटन को गूगल अकाउंट से रिप्लेस कर देगी। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करें गूगल प्लस का डेटा। दोस्तों, गूगल प्लस से अपना डेटा डाउनलोड करने के लिए कंपनी ने यूजर्स को समय दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको गूगल प्लस का डेटा डाउनलोड करना है। नंबर 1, गूगल के डाउनलोड डाटा पेज पर जाएं। नंबर 2, नेक्स्ट पर क्लिक करें। नंबर 3, फाइल टाइप सिलेक्ट करें। नंबर 4, डेटा कैसे चाहिए यानी डाउनलोड फॉर्मेट, इसे सिलेक्ट करें। नंबर 5, क्रिएट अकाइव पर क्लिक करें। आई होप कि दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, गूगल और गूगल प्लस के बारे में आपका क्या कहना है, इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपने अभी तक अकाउंट का डेटा सेव किया या नहीं, बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में।